इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक तो कूलिंग टावर में जो कूलिंग वाटर फ्लो होता है, उस कूलिंग वाटर का फ्लो को आप कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कूलिंग टावर में कूलिंग वाटर का जो फ्लो रेट है उसको आप कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम लोगों को पता है हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर इज इक्वल टू हीट पिक अप बाय कूलिंग वाटर, यानी कि एक ठो सरफेस कंडेंसर में जितना अमाउंट का हीट रिजेक्ट होता है उतना अमाउंट का हीट को जो कूलिंग वाटर कंडेंसर में फ्लो होता है वो उसको पिकअप करके लेता है। तो एक तो सरफेस कंडेंसर में एक किलो स्टीम कितना अमाउंट का हीट रिजेक्ट करता है ना, 1 kg स्टीम एक तो सरफेस कंडेंसर में 555 किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट करता है। 1 kg स्टीम एक ठो सरफेस कंडेंसर में 555 किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट करता है। तो अभी हम लोगों ने एक ठो एग्जांपल लेके देखेंगे कि जो कूलिंग वाटर फ्लो को हम लोगों कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। मान लीजिए एक ठो कंडेंसर में स्टीम फ्लो हो रहा है, यानी कि जो स्टीम एग्जॉस्ट हो रहा है उसका अमाउंट है स्टीम जो फ्लो हो रहा है वो है 110 TPH, यानी कि टन पर आवर। तो टोटल हीट कितना रिजेक्ट करेगा स्टीम, टोटल हीट रिजेक्टेड बाय स्टीम 110 इंटू 555 किलो कैलोरी, इसको हम लोगों केजी में कर देंगे जो टन पर आवर में है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, इतना किलो कैलोरी, तो इतना अमाउंट का हीट रिजेक्ट करेगा। तो अभी कूलिंग वाटर फ्लो को हम लोगों निकालेंगे। पहले हम लोगों जो फॉर्मूला देखे थे कि हीट रिजेक्टेड बाय स्टीम इन कंडेंसर इज इक्वल टू हीट पिकअप बाय कूलिंग वाटर, तो 110 इंटू 1000 इंटू 555 इतना किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट करता है स्टीम कंडेंसर में, तो जो कूलिंग वाटर है वो कितना अमाउंट का हीट को कैरी करेगा ना, mCp इंटू ∆T, तो इतना अमाउंट का हीट को कैरी करेगा कूलिंग वाटर। ये जो एम है ये हो गया कूलिंग वाटर का मास फ्लो, और ये है स्पेसिफिक हीट, और ये जो ∆T है ये कंडेंसर में जो टेम्परेचर राइज हुआ, आउटलेट माइनस इनलेट। मान लीजिए T2 हो गया आउटलेट, ये वाला हो गया T1 इनलेट हो गया, तो टेम्परेचर ऑफ राइज, या इसको रेंज मान लीजिए कूलिंग टावर में इन आउट। तो अभी हम लोगों को मास फ्लो रेट जो है उसको निकालना है। कंडेंसर में जो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब कि ∆T इज इक्वल टू 38
-28, मतलब कि इनलेट टेम्परेचर है 28 और आउटलेट है 38, तो ये जो टेम्परेचर राइज कितना हुआ 10 डिग्री। और स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना है 1 किलो कैलोरी पर केजी। तो अभी हम लोगों कूलिंग वाटर का जो फ्लो है निकाल पाएंगे 110, यानी कि स्टीम फ्लो इतना केजी पर आवर इनटू 1 केजी स्टीम का जो हीट है 555 डिवाइडेड बाय 1 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि स्पेसिफिक स्टीम एन टू, ये जो डेल्टी ये हो गया 10, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 616,000 मीटर क्यूब पर आवर। ये कूलिंग वाटर का इतना अमाउंट का फ्लो होगा। करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको कूलिंग वाटर का फ्लो एक तो कूलिंग टावर में कितना अमाउंट में हो रहा है निकालने का तरीका पता चल गया होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।